हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्यूटीफुल स्मोकी आई मेकअप एंड ब्यूटीफुल ब्राइडल बन हेयर स्टाइल। बहुत ही ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल बना था और बहुत ही सुंदर सा मेकअप हुआ था। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ पे किया था। आप इस तरीके से कोई भी लड़की अगर इंगेजमेंट में या फिर हैवी मेकअप थोड़ा सा चाहती हो तो इंगेजमेंट में आप कर सकते हो, वरना आप वेडिंग में इस तरीके का मेकअप कीजिए। बहुत ही नेचुरल लुक और बहुत ही सुंदर लुक आएगा। जिसको आप करोगे उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ब्राइडल बन के लिए भी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने उस पर भी वीडियो बना दिया। बहुत ही सुंदर बन हेयर स्टाइल बना है। पफ है, फिर अपने दोनों साइड के डिफरेंट आजकल जो यूनिक हेयर स्टाइल्स चले हुए, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप बना लोगे मेकअप भी और हेयर स्टाइल भी। तो वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वैसे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीका बताया है और आईज मेकअप भी बहुत ही ब्यूटीफुल बना है, अमेजिंग है, और हेयर स्टाइल भी। तो ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप ब्राइडल को रेडी कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप मेकअप स्टार्ट करते हो तो कोकोनट ऑयल जरूर लगाइए। तो मैं इनके फेस को थोड़ा सा कोकोनट ऑयल से मसाज कर दीजिए, इससे इनका मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, लंबे टाइम तक चलता है। तो आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद से प्राइमर अप्लाई कीजिए, जो भी आपको अच्छी कंपनी का प्राइमर या फिर कोकोनट ऑयल लगाया है। तो आप प्राइमर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, नहीं तो आप अदरवाइज लगा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, मैं उसके बाद से मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मैक कंपनी का है। वैसे थोड़ा सा फाउंडेशन लेके अच्छे से इनके फेस पे ब्लेंड कर दूँगी। कोकोनट ऑयल लगाने का एक और फ़ायदा है कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे फेस पे पूरा। ओके, तो अच्छे से मैं इनके फेस को हाथ से ही ब्लेंड कर लूँगी। आप ब्यूटी ब्लेंडर या फिर किसी भी चीज़ का ब्यूटी ब्लेंडर, ब्रश, स्पंज, किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हाथ से ही मैंने ब्लेंडिंग की है, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो गया था। कंटूरिंग वगैरह मैंने नहीं दिखाई, बस मैं यहाँ पे स्मोकी आई मेकअप दिखाऊंगी आपको। बहुत ही काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट भी आई थी, मैम स्मोकी आई मेकअप बताइए। तो पूरा ब्लैक नहीं किया मैंने, थोड़ा सा गोल्डन शेड भी दिया क्योंकि इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप करना था। तो इसको लैक्मे 9 to 5 के कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से सेट कर देंगे मेकअप को। तो ये मैंने सेट कर दिया, उसके बाद से मैं यहाँ पर आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो लेके पहले कंसीलर लगाऊंगी, सॉरी आईब्रोज के नीचे। देखिए इनकी स्किन टोन से एकदम मैच होता हुआ कंसीलर है। तो आईज पे इस तरीके से कंसीलर अप्लाई करूँगी, इसको भी ब्लेंड में अपने हाथों से ही फिंगर टिप से करूँगी। ओके, जहाँ जहाँ ब्लैकनेस हो वहाँ पे आप कंसीलर अप्लाई कर लीजिए। उस दिन वाटर प्रूफ वाला जो मेकअप बताया था जिसमें मैंने फेस वॉश किया था, उसमें भी यही कंसीलर लगाया था। ये कंसीलर 7 CH का है, बहुत ही अच्छा है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही अच्छा टाइम तक ये रहता है और बहुत अच्छा मेकअप देता है। तो इसको लगाने के बाद से मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का आई शेडो लेके अपने आईब्रोज को इनके फिल कर दूँगी। ओके, अच्छे से आईब्रो बना लेना है, दोनों आईब्रोज को यहाँ पे अच्छे से फिल कर दूँगी। अच्छा सा शेप दे दीजिए अपने आईब्रो को। उसके बाद यहाँ पे स्मोकी आई मेकअप करना है तो ब्लैक आई शेडो से ही मैं आउटलाइनर पे, जैसे क्रीच एरिया पे अप्लाई करूँगी, क्रीच एरिया से जस्ट नीचे, उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो अप्लाई करूँगी। तो आप देखते जाइए वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आईब्रो का शेप बहुत अच्छा सा बन गया था। तो इस तरीके से ब्लैक कलर का आई शेडो लेके अप्लाई कर लेंगे। आपको जितना डार्क चाहिए आप उतना कर लीजिएगा। दोनों आईज पे सेम इसी तरीके से कर लेना है। उसके बाद से गोल्डन आई शेडो लेके फ्रंट इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। दोनों आईज पे इसी तरीके से ब्लैक आई शेडो लगाएंगे, फिर इनर कॉर्नर पे गोल्डन कलर का आई शेडो लगाएंगे, जैसे इनके ब्लाउज का कलर है। उसके बाद से तो थोड़ा सा कॉटन लेके ब्रश को साफ़ करके दोबारा से गोल्डन आई शेडो लेंगे और फ्रंट इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे, आई लिड पे भी। दोनों आईज पे सेम इसी तरीके से अप्लाई कर लेना है। बहुत ही प्यारा सा आई मेकअप आएगा इस तरीके से करने से। और थोड़ा सा जो क्रीच एरिया होता है उस पर ब्राउन कलर का आई शेडो अप्लाई कर देंगे, ब्लैक से ही मिलता जुलता। उसके बाद से आईब्रोज के नीचे हाइलाइटर यूज करेंगे। मैंने इनके फेस को कंटूरिंग वगैरह भी की थी, वो मैंने अभी इस वीडियो में नहीं दिखाई। इनका ये ब्राइडल मेकअप मैंने पहले अपलोड किया था तो उसमें आपको दिख जाएगा।
अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने कंटूरिंग वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। और इनका हेयर स्टाइल बहुत ही गजब का होने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पे स्टिक वाला हाइलाइटर मैंने यूज किया है, इसी में कंटूरिंग भी दी हुई है साइड में। उसके बाद से मैं यहाँ पे लैक्मे 9 to 5 का लाइनर और मस्कारा यूज करूँगी और आईलैशेस लगाऊँगी, फेक आईलैशेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मोकी आइज पे थोड़ा लंबा विंग वाला आईलाइनर लगाना चाहिए, अच्छा लगता है वो, और थोड़ी चौड़ी सी इस तरीके से। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस आपको मेकअप कैसा लग रहा है। तो ये मेकअप कंप्लीट करके मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा सा विंग आईलाइनर लग गया है। और हाँ गाइस एक और टिप्स दे देती हूँ, अगर आपका आईलाइनर बाय द वे सूखने लग जाए तो आपको उसमें थोड़ा सा लेना है एलोवेरा जेल और उसको मिक्स कर लेना है आईलाइनर में, तो आपका आईलाइनर दोबारा से अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों आईज का मेकअप कंप्लीट हो चुका है लगभग। और मैं दिखा देती हूँ आपको, मस्करा अप्लाई कर देंगे और लो वाटर लाइन पे वाइट काजल, अगर आपके पास नहीं है तो आई शेडो पैलेट में से ही वाइट कलर का आई शेडो लेके उसको अपनी काजल जो आई लो वाटर लाइन होती है ना उस पर अप्लाई कर लीजिए, तो बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा वाइट काजल का। यहाँ पे इनका आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, अभी फेस का मेकअप करेंगे। कैसा लग रहा है आपको गाइस ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं फेस की मेकअप की तरफ। तो ब्राइडल बन हेयर स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले आप ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे अपने बालों की इस तरीके से, और क्राउन एरिया के हेयर्स को उठा के पफ का लुक देंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल है, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारी लगेगी। आप इंगेजमेंट में भी इस तरीके का हेयर स्टाइल बना सकते हैं, चाहे रिसेप्शन पार्टी हो, ब्राइडल के लिए भी बहुत बेस्ट रहेगा। तो यहाँ से क्राउन एरिया से मैंने हेयर को इस तरीके से उठाया है, हल्का सा ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा चेयर घुमा ले रही ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, हल्का सा ट्विस्ट किया है और देन हल्का सा आगे की तरफ पुश करते हुए क्लिप लगा देंगे यहाँ पे। और हल्का हल्का बालों को खींचेंगे ऊपर की तरफ। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हेयर फिक्सर लेके आऊँगी, उसके बाद से और अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल्स आपको दिखाऊँगी। तो इस तरीके से बना लेना है और फिर आगे से इस तरीके का लुक देना है, थोड़ा थोड़ा फ्रंट के हेयर्स को छोड़ देना है ताकि लुक अच्छा लगे। और जिसका भी चौड़ा माथा हो ना उसका बाल बिल्कुल भी नहीं चिपका, बिल्कुल ज़्यादा ऊपर की तरफ चिपकाना नहीं चाहिए, आगे से थोड़े थोड़े हेयर निकाल देने चाहिए, इनका भी बहुत चौड़ा माथा है। इस तरीके से आप पीछे भी टग इन कर सकते हो और इसको थोड़ा ऐसे ट्विस्टिंग का भी लुक दे सकते हो, तो ट्विस्टिंग वाला लुक ज़्यादा प्यारा लगेगा। इस साइड से मैंने ट्विस्टिंग किया और उस साइड से देखिएगा किस तरीके से कर रही हूँ। तो इस तरीके से पूरे हेयर्स को लेना है और ट्विस्ट करते हुए बैक साइड में ले जाके और क्लिप में इन कर देना है, ले जाके क्लिप के साथ टक कर देना है। उसके बाद आप पीछे के बाल को कर्ल करके भी छोड़ सकते हो, वो भी बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बन का रिक्वेस्ट था तो बन बना रही हूँ। और दूसरी साइड से हेयर को थोड़ा सा मैं इनको घुमा लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, सॉरी ये तो बना दिया मैंने हल्का सा ट्विस्ट करते हुए सारे बाल, ये वाला मैं अपने हेयर स्टाइल पर बता दूँगी। और फिर उसके बाद से मैंने पीछे रबड़ लगा के और स्टफ़ी लगाई है, स्टफ़ी ने बन लगा के डोनेट, और बालों को इस तरीके से मोड़ मोड़ के पूरे बन को कवर कर देना है। सॉरी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई गाइस, प्लीज़ डोंट माइंड। थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं और इस तरीके से फिंगर पे लपेटते हुए और जुड़ा पिन की मदद से, यू पिन की मदद से इसको टक कर लेना है। और इसको आप जुड़ा पिन जो आता है स्टोन वाला उससे आप इसको सजा लीजिएगा जूड़े को अपने, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये इनका
हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, अभी दिखा देती हूँ मैं। तो इस तरीके से लगाने के बाद से तो ये देखिए हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है। कैसी लग रही है आपको जरूर बताएगा गाइस। अब इसको मैं स्टोन वाले जूड़ा पिन से अच्छे से सेट कर लेती हूँ ताकि और प्यारा लगे। देखिए कितना प्यारा हेयर स्टाइल है। ये था फाइनल लुक। और भी पिक्स हैं, आप देख लीजिए सारे पिक्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इनका लुक अच्छा लगा हो, अच्छे से मेकअप भी समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो, हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, मुझे अपलोड कर दिए। बाय बाय।